नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के सिद्धू गांव की है, जहां पर कुछ दबंगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा खंडित कर दी, जिसका विरोध दलित समाज ने किया तो दबंगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज किया जा रहा है। वह 6 लोग और 2 बच्चों को भी गंभीर चोटें आई है जिनका इलाज कराया जा रहा है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए रिपोर्टर विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। हम गांव सीधरूम पहुंचे, जहां पे 21 तारीख की शाम को झगड़ा हुआ। और इन लोगों से पूछते, झगड़ा कैसे हुआ, क्या बात हुई, क्या कारण था, ऐसा आप ये बताइए। ऐसा आजी, जिस वक्त में उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पाए, 4-5 लड़के थे, मैं इधर पीतपुर की तरफ जा रहे थे और उन्होंने मुसलमानों की दुकान पर एक ठंडे की बोतल ली और नमकीन ली। उन्होंने कहा भाई हमारे पैसे दे दो। उन्होंने कहा बहन चोद हम कैसे पैसे दे देंगे तुम्हें, एक ठेकेदार है मुसलमान मोहम्मद, उसने कहा भाई इनको जान दो नशे में आए और भाई पैसे हम दे देंगे। उसके बाद में चलो जी गाँव में से बाहर हमारी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है, वहाँ पर आ गए। वहाँ जाकर 2-3 बचे मरने से, बहुत मुश्किल से वह हमें गाड़ी गुफ्तार देने लगे। हमने कहा भाई आराम से निकल जाओ। और फिर उन्होंने सोचा अब भाई ये तो बात नहीं बनती, फिर उन्होंने फ़ोन करा, फिर 3 गाड़ियों पर उन्होंने और अपने आदमी बुलाए और फिर मारपीट हुई, फिर गाड़ी भी टूट गई है। और नहीं यार, जैसे अभी आपने कहा वो उनने गाली गलौज करी मरने से बचा, हाँ तो सर जो मरने से बचा क्या उन्होंने ट्रैक्टर वाले को रोका, क्या हुआ? वह तो फिर भी अपने आप रुक गया, हम तुम्हें देखेंगे फलाना है ढिगड़ा है नशे में हो रहे धुत तेजी में, ऐसा हुआ। फिर उन्होंने 3-4 गाड़ियों पर आदमी अपने बुलाए हैं वहाँ से और फिर झगड़ा फसाद हो गया, मारपीट हुई है। तो सर कितने लोगों की चोट आई है? लोगों का सर करीबन 4-5 लोगों का सर आई चोट आई है जी। अजी कोई रुड़की भर्ती है, कोई कहीं है, कोई चंडीगढ़ बता रहे, और किसी का गोड्डा फूट रहा, किसी का हाथ टूट रहा, किसी ने राइड चढ़वाई है इनकी यहाँ से, इसमें कोई सुनाई नहीं आई। 2-3 दिन हम जाते भी रहे थाने में। तो सर क्या आपने उनके मेडिकल नहीं करवाया, सर आपने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्या? तो उन्होंने वहाँ जाते रहे तो कोई मेडिकल कोई रिपोर्ट नहीं ली जी, और हम भी गाली देकर बाहर धमका काट दिए थे। लेकिन सुनने में तो यार आ के लोगों ने यहाँ पे कुछ खुद ही अब वो मूर्ति खंडित करी है इसके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, उसमें तो वहाँ तो पुलिस ने मारपीट करवा कर चलो कुछ भी कुहा दो जी, और रात रात में फिर मूर्ति रख दी वहाँ से। आइए जानकारी लेते हैं और लोगों से, और भी लोग इधर बैठे हैं। अजीत ट्रैक्टर इंगा पीतपुर की डबलिया का गए थे, वहाँ से एक बढ़िया की दुकान मुसलमान की किया, उनसे उन्होंने बोतल लिया और बोतल लेकर वो सीधे चिराए पैसे दिए उन्होंने, तो पैसे जब नहीं दिए तो उन्होंने कहा भाई पैसे हम दे देंगे, कोई ठेकेदार है उन्होंने कहा पैसे हम दे देंगे, तो उन्हें टाल दिए। हम तो यहाँ से यहाँ पर जो है अम्बेडकर हमारी मूर्ति को लोगों ने कहा भाई ट्रैक्टर सहज में चला लो, तो उन्होंने मतलब जोर से लेकर आ रहे थे तो वहाँ 2 लड़के मान लेते बस जी, फिर मतलब वहाँ झंझट हुआ बहुत बड़ा, हमारी मूर्ति भी चोर टाट दिया उन्होंने, और मतलब यहाँ से झगड़ा हमारी इसका हा बरात घर का और मूर्ति का। यहाँ पे साहब एक ही बात बोलने के दबंगों की गलती है। आइए इधर हमारी माता भाई ने खड़ी इनसे पूछते हैं, पूछे बोला तो बताए झगड़ा कैसा हुआ, क्या कारण था, दबंगे यहाँ से कैसे आ रहे, कहाँ से आए? अरे भाई कच्चे बलियान फिर रहे थे, कौन अपनी दिमाग की गाड़ी खावा का लोंडे ले रहे, सबको दिमाग की गाड़ी दे रहे थे, लड़कों को नो कह रहे थे हरी माँ चौथ के हम ना जो हम तोड़ा गए बाबा अम्बेडकर को क्या आयो हाथ तोड़े बाबा अम्बेडकर का लड़की कौन ना खड़े होते, अजय उन्होंने हंगामा करा तो रात रात उन्होंने बुलाया ले, रात रात उन्होंने मुँह से दर्द दी, ऐसा क्या मार के कहीं चलती ही नहीं, ऐसा क्या कोई समाज में है ही नहीं। हाँ तो क्या पुलिस वालों ने अभी आपकी कोई कुछ नहीं सुनाई, कुछ नहीं सुनाई हुई, और हमारे 5-8-9 आदमी को हमारे पकड़ ले गए, हमारे बहन भाई को मतलब माता पिता को जो हमारे भाई है उन्हें पकड़ ले गए, सुना सुनवाई नहीं आ रही, मारे जो जा रहे थे लांद भी काट दिया और हमारे कहीं है ही नहीं, मार को ऐसा भी छोड़ नहीं रहे, ऐसा ने रिपोर्ट नहीं ली। देखिए पुलिस प्रशासन कैसे हम ऐसी बिरादरी पर जुल्म कर रहा है, कि अब तक FIR दर्ज भी नहीं की है, ये कितने परेशान हो गए, कितने गरीब लोग और इनके अब इनसे पूछ रहे हैं।
पहले तो मैं इधर पूरी रफ्तार पे उन्होंने ट्रैक्टर पर रखा था जी अपना, फिर पूरी रफ्तार पे ट्रैक्टर करने के लिए उन्होंने आगे हफ्ते भर एक ठंडे की बोतल खरीदी। खरीद के बाद उसने कहा भाई पैसे तो दे दो। उन्होंने कहा कैसे पैसे ले रहा, अभी लेगा कभी थोड़ी देर में लेगा। तो एक बेचारा हाँ कोई बड़ा था, उसने कहा भाई जाने दो सर, इसके पैसे हम देंगे। फिर उसके बाद उन्हें खूब रफ्तार से ट्रैक्टर खुदाव ला रहे थे। फिर एक दुकान पड़ गई सामने, उसने कहा भाई फिर रफ्तार से ले जा रहे हैं, आगे बच्चे फिर रहे हैं, ये मर भी सकते हैं, इनकी हत्या भी हो सकती है। मेरे दो लड़के बचे मरने से। उन्होंने फिर कहा, एक लड़के ने उसे रोकने की कोशिश करी, उन्होंने कहा पूरी मतलब गाड़ी दी माँ दी बहन की पूरी गंदी बात से पैसा आया उनके पास में। फिर आने के बाद पैसा आने के बाद फिर उन्होंने पूरी गाड़ी दी चमार पा भी खड़ी और आधे आधे कच्चे मेदे में उन्होंने टूट गया, मतलब उसके पैर भी छेद गए। उससे लड़कों को गुस्सा आ गया, लड़कों ने कर दिया उन्होंने रोक कर ट्रैक्टर पे। जब उन्होंने गाड़ी बुड़ी थी गंदी गंदी गाड़ी थी माँ बहनों की, तो उसके बाद फिर लड़कों ने उसको मारा। फिर उन्हें मार पिटाई के बाद में उसके बाद घर जाने के बाद वापसी आए। अब वापसी आके एक गाड़ी पे कहीं कहीं लड़का आए अपने लाठी लूटी लेकर घुमाने लगे, पूरी गाड़ी देने लगे। गाड़ी देने के बाद फिर लड़कों ने फिर पकड़ लिए। मैं तो कोई बात नहीं, वो गलती तो उनकी थी, उन जैसे ही आए, इसलिए हमारे लड़कों ने उनके बचाया। सभी देखो लड़ाई भिड़ाई तो बगैर मतलब मारता आदमी सीधे में और उन्होंने मारा छेदते है। तो सर देखते हैं हमारे ससुर वहाँ घर पड़े थे, वे भी आगे देखा उन्होंने भी बगैर मतलब मजा जब लड़ाई बीच गई थी सभी आगे देखन, वे भी आगे देखन, तो उन्होंने बगैर मतलब ठुआ दिया उन्होंने। रात को वे सोने चले गए, फिर कहने लगे प्रधान के यहाँ बुला रहे और प्रधान का नाम लेकर फिर वो उन्होंने ले गए थाने में बुला कर। उनका क्या मतलब, तुम्हारा तो एक ही सिर पकड़ने वाला और उन्होंने भी ले गए साथ में, हम किसके भरोसे। मार तो कोई करने वाला नहीं, उसके उनके भरोसे हमारा पूरा परिवार चल गया। उनके तो नौकरी भी गई और पैसे भी गए। वे नहीं उन्होंने कह रहे थाने में हमारे क्षेत्र में क्या करेंगे भरोसा, और हम उल्टी सीधी गाली देवेंगे। और चोट लग रही है, ये बताइए झगड़ा की जड़ बताइए कैसे हुआ। वे आए हो और आको मार दी की करी दुकानों पर, बस एड़ा सा आए हो सिर्फ कच्चे कच्चे मोते नु बताओ तुम कच्चे कच्चे में आ जाएंगे। कच्चे कच्चे में आन कर गाली दे रहे थे और छूटते नु बोल ले हम चाहो तो चमारों के धियो को उठा लो। तो हमारे गाँव के लड़के कुछ कर नहीं कहने के, छोड़ते उन्होंने बोला हम चमारों का धियो को उठा लो। और माँ दी की इतनी गाली देर थे दुनिया भर की। फिर हम डर के मारा अपनी दुकान भेड़ कर चले गए, हम दुकान भेड़ कर चले गए। थोड़ी बात देर बाद में कहने लगा उधर तक लड़ाई बज गई। फिर मेरे पापा भी आ गए, वे अपने भाइयों के लारे में बैठे थे सारे। तो वे कहने लगा हम भी चल ले देख कर, हमने ना करी मगर तुम ना जाओ मगर फिर मगर उल्टा केस पड़ जाएगा। और वही पड़ गया। और हमारे जो कभी भी ना किसी की लड़ाई में जावेंगे ना लड़ाई में जावेंगे, कभी भी नहीं जाते। और उल्टा केस हमारे पे पड़ेगा, मारते एक कन्ने खाने वाले थे वे भी चले गए। और उन्होंने भी इन कह रहे मार छेद पीट को करके बुढ़ा आदमी हाथ पाहा नु तो देख लो। और उनका उल्टा केस में नाम लिखवाया, बताओ बच्चा क्या करो हम। उन्होंने की चल रही है इनकी और चल नहीं रही, उनकी चल रहे उल्टे केस में फांस दे रखे हैं। और हमारी रिपोर्ट भी किसी ने ले नहीं हो, और वो हमारे आदमी देखने चला गया। उनका मेरे देवर का भी पांड सूझ रहा नहीं रहा, मोटा हो रहा डंडे मार मार को। और क्या कहते आदमी के भी हाथ पर लग रहा देख ले के मालिक बताओ क्या है यहाँ से। आप बताइए झगड़ा कैसे हुआ।